हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी भी लग रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ। और इस ट्रिक में अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ ऑलमोस्ट फिक्स है। डैट मीन्स आपका रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट फिक्स है, आपका रिएजेंट फिक्स है और आपका प्रोडक्ट भी फिक्स है। डैट इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेम रिएक्शन ट्रिक। तो ध्यान से देखो, पहला जो मैंने लिया है डैट इज एनिलीन। ओके, चीज़ें फिक्स होंगी। अगर आपको कहीं पे भी एनिलीन दिख जाए, एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 ग्रुप दिख जाए, राइट, डायरेक्टली बेंजीन से अगर NH2 ग्रुप अटैच है, जिसको हम 1° एमीन भी बोल सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, या फिर ये एरोमेटिक एमीन भी हो गया, ये कहीं पे आपको दिख जाए एज ए रिएक्टेंट और एज ए सबस्ट्रेट, तो आपको क्या करना है? तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया कि बेंजीन का होना ज़रूरी है और उस पर NH2 लगा होना चाहिए। बाकी इधर कुछ ग्रुप सब्स्टिट्यूट हों तो वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो पैरा मेटा पे कोई ग्रुप लगे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली थिंग इज कि इतना तो होना चाहिए, हमारे पास एनिलीन होना चाहिए। एनिलीन की रिएक्शन कहीं पर भी आपको NaNO2 और HCl से दिख जाए, वेरी लो टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो अगर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपको दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन, तो आपको क्या बना देना है? डाइजोनियम। तो कैसे बनाना? वेरी सिंपल, बेंजीन को एज इट इज रखना है, नाइट्रोजन जो यहाँ एन था और यहाँ से एक नाइट्रोजन मिल करके N2+, और ये जो इसका हैलोजन होगा ये X- में इससे अटैच हो जाएंगे। डैट मीन्स ये एक सॉल्ट बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल होते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर रखा है तभी ये स्टेबल है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से N2 गैस बाहर चली जाएगी, जो कि बहुत ही स्टेबल है। अब इसका नाम मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में संकट मोचन भी रखा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ। तो पॉइंट इज कि ये डाइजोनियम अगर आपका बन गया, अब इस पर कोई भी ग्रुप लगाना हो तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसलिए अगर कभी भी बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड बनाना हो तो आपके लिए बेस्ट वे है डाइजोनियम। तो अगर ध्यान से देखो, अगर आपने Cu+1 वाला लिया, Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Cu2X2 या CuCN, डैट मीन्स Cl- Br- Cn-, ये तीनों अगर न्यूक्लियोफाइल हुए तो वो आपका जहाँ पे डाइजोनियम लगा हुआ है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। याद कैसे रखेंगे? तो घर बनाने के लिए सैंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1। तो इसलिए यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि घर बनाने के लिए सैंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1। तो कॉपर अगर +1 में होगा तो सैंडमेयर रिएक्शन। सेम पॉइंट कि Cu इन प्रेजेंस ऑफ HXO, डैट मीन्स यहाँ पे Cu किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? Cu0 में। अगर Cu0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया इन प्रेजेंस ऑफ HX, वेयर X कैन बी ClBr ओनली, तो इसको बोलेंगे गैटरमैन। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो गटर में कौन रहते हैं? 0 लेवल के लोग। 0 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसको बोलेंगे गैटरमैन। और नंबर 1 क्या होना चाहिए सैंड बिल्डिंग बनाने के लिए? Cu+1 में होगा तो सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, कि अगर आपको एक स्मॉलर हैलोजन दैट इज Cl और Br को अगर आपको रिप्लेस करना हो एक बिग हैलोजन से, आयोडीन एक बिग हैलोजन है और Cl या Br स्मॉल हैलोजन है, तो अगर बिगर हैलोजन से स्मॉलर हैलोजन को रिप्लेस करना हो तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिंकलस्टीन। और कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, ये चीज़ें फ्रेंकली है या ये चीज़ें आम बात है कि बड़े लोग छोटे लोग को रिप्लेस कर देते हैं, ये तो आम बात है, राइट, फ्रेंकली बात है। किसी को बोलोगे कि बड़े लोग ने छोटे लोग को रिप्लेस कर दिया तो कोई ध्यान नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये तो होता ही रहता है, फ्रेंक की बात है। तो इसलिए फिंकलस्टीन, अगर कहीं पे बड़े हैलाइड आयन छोटे हैलाइड आयन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आम बात है, ये फ्रेंक बात है, तो फिंकलस्टीन। बट अगर बड़े हैलोजन को छोटे हैलोजन अगर रिप्लेस कर रहे हैं तब यहाँ पे लोग आपकी बात सुनेंगे, क्यों? क्योंकि अगर छोटे लोग बड़े लोग को रिप्लेस कर दिए तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है, राइट, इसलिए क्या नाम होगा? स्वार्ट्स, इसको बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है कि छोटे लोग बड़े लोग को रिप्लेस कर रहे हैं।
तो जस्ट मैं ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ कि ताकि आप एकदम ईजी वे में याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये तीन नेम रिएक्शन एकदम क्लियर होगा। नाउ रिएक्शन नंबर 4 कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया, ध्यान दें एल्काइल हैलाइड राइट, या फिर एराइल हैलाइड लिया राइट, तो ऐसे केस में सोडियम डेट इज एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ड्राई इथर क्यों ले रहे हैं? ताकि सोडियम इससे रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि मॉइस्चर से बहुत जल्दी सोडियम रिएक्ट कर जाते हैं और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कहीं पे भी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर दिखे और RX आपको दिखे, डैट मीन्स कार्बन से हैलोजन अटैच हो, डैट इज एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड हो, तो ऐसी रिएक्शन जो है वो डिफरेंट नेम से जानी जाती हैं। एराइल, यहाँ पे एराइल कहने का क्या मतलब है कि बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा। तो अगर बेंजीन से डैट मीन्स बहन जी से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा तो एराइल बोलेंगे, अदर केस में वो क्या रहेगा? एल्काइल रहेगा। ओके, नाउ ये जो रिएक्शन होती है ये वाया फ्री रेडिकल होती है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसमें कपलिंग होता है, डैट मीन्स दो ग्रुप अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने एल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl, तो आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है? जो भी आपको RX गिवन होगा इसका दो मॉलिक्यूल लेना है और क्या करना है, मिरर इमेज लगा देना है। समझाने के लिए ट्रिक का पॉइंट यही है कि जब भी आपको RX देखे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर, तो RX एक लेना है और उसका मिरर इमेज बना देना है। तो देखो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, Cl के पास Cl, CH3 दूर था तो दूर बनेगा, और ये दोनों को निकाल देना है। तो ये दोनों को हटा दोगे तो देख लो क्या बना, CH3CH3। तो चूंकि ये एल्काइल हैलाइड था इसलिए इसका नाम रहेगा रूट्स रिएक्शन। ओके, अगर वहीं पे आपने एराइल ले लिया, सब कुछ सेम है, सिर्फ अगर बेंजीन पे हैलोजन लगा लिया, फिर से मिरर इमेज बनाना उसका, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा राइट, पलट जाएगा और फिर से आपको इन दोनों को बाहर निकाल देना है और कनेक्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा। इस केस में बोलेंगे इसको फिटिंग। ध्यान दो, सब कुछ सेम है, अगर आपने अल्काइल लिया तो रूट्स, और अगर एराइल लिया बेंजीन वाला लिया, ध्यान दे बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन अटैच होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिटिंग। और अगर किसी ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, डैट मीन्स एक एल्काइल और एक अराइल ले लिया राइट, जैसे यहाँ देखो ये अराइल लिया और ये अल्काइल ले लिया, तो यहाँ पे भी वही करना है, दोनों Cl को बाहर या दोनों हैलोजन आमने सामने करके बाहर कर दो, जो बचा उसको अटैच कर दो, तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट, और इसका नाम हो जाएगा, इसकी वजह से रूट्स और इसकी वजह से फिटिंग, तो इसका नाम हो जाएगा रूट्स फिटिंग। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये, बट ध्यान दें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सोडियम है। वहीं पे अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा, डैट मीन्स आर कैन बी एल्काइल, आर कैन बी अराइल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर RX एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर करा रहो, अगेन S ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट राइट, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर है, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड कोई भी अगर आपको दिख जाए, तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर देना, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। इसका एक स्पेशल नाम है, डैट इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और चूंकि यहाँ पे मेटल से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, कहीं पे भी अगर मेटल से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसके बारे में मैं आपको पूरा एक आइडिया दे रखा हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमें क्या मिलता है, R- राइट, और R- आपका एक अच्छा बेस भी हो सकता है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं पे भी अगर आपका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, डैट मीन्स फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, अगर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच है, या फिर कॉर्नर वाले sp कार्बन से राइट, टर्मिनल sp कार्बन से अगर अटैच है, तो इन डैट केस एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो R- आपका बेस का काम करेगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एंड नेक्स्ट कि अगर अगेन RXCO, डैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, तो सबसे बेस्ट है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ RO-Na+, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर बेस से करा देंगे तो ये एसिड हो गया आपका,
और ये बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे, राइट। तो आर ओ माइनस एन ए प्लस कहीं पे दिख गया आपको, इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, राइट, और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये एक्स आपका बाहर चला जाता है। तो ये SN2 रिएक्शन होती है, फिक्स है, SN2 रिएक्शन होती है। इसलिए आपका आर डैश ये जो है सोडियम एल्कोऑक्साइड वाला, ये आर डैश 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 डिग्री हो तो भी चलेगा, 3 डिग्री हो तो भी चल जाएगा, बट आपका एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो स्टेरिक फैक्टर या क्राउडिंग इंक्रीज होने की वजह से SN2 अटैक नहीं हो पाता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है। इनफैक्ट अगर आपने ये 3 डिग्री ले लिया तो उस केस में ये आपका कोई भी हो, आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए SN2 कराना है तो इसको 1 डिग्री ही रखना बेस्ट है। तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ईथर, कैसे, ये निक्लोफाइल की तरह अटैक किया तो एक्स बार हो गया, आर ओ आर ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर, तो आपका ईथर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट 7 इज कि अगर कहीं पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, ध्यान से देखो इसमें सब में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ले रखा है, अगर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अगर उस पर हाइड्रोजन है तो ऐसे रिएक्टेंट की रिएक्शन अगर X2 डैट मीन्स यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, तो हैलोजन और रेड फास्फोरस आपको गिवेन हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो डैट मीन्स क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दें अल्फा कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बगल में कार्बन होना चाहिए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान दें sp3 होना चाहिए, डैट मीन्स सारे सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड X2 यू विल गेट अल्फा पोजीशन पे हैलोजन आ जाएगा आपका Cl या Br। तो इस रिएक्शन का नाम है हेल वोलहार्ड जिलेंसकी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स है, रिएक्टेंट रिएजेंट और प्रोडक्ट सब कुछ फिक्स है, यू नो, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है और अल्फा पोजिशन पर ही वही हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन आ जाता है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजिशन पर अगर आपको हैलोजन चाहिए, डैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन चाहिए तो आप X2 एंड रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दो, यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो 8 है कि अगर आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, राइट, और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं, सोडा लाइम वर्ड लिख सकता है, सोडा लाइम, तो डैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड 3:1 रेशियो में होना चाहिए, इसका रेशियो भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो क्या होगा, ध्यान से देखो आपको क्या करना है, जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो लिख लो, और सोडा लाइम मतलब NOH, और इसको Na2CO3 को बाहर कर दो, देखो 2 Na हो गया, 1 कार्बन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, Na2CO3 को बाहर कर दो, तो बचा क्या, R और H, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्केन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ध्यान से देखो, आप जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उससे एक कम कार्बन वाला आपको एल्केन मिलेगा, तो हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन लेस वाला मिलेगा आपको। जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो मैं CH3C डबल बॉन्ड हो माइनस Na+, मतलब एसीटेट, सोडियम एसीटेट अगर लिया होता तो यहाँ पे मुझे मीथेन गैस मिलता। तो एक और पॉइंट है कि इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम मीथेन भी बना सकते हैं, जबकि रूट्स रिएक्शन जो बताया था वो, या फिर ये वाला कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब से हम मीथेन गैस प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान देंगे, जब भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको हाइड्रोकार्बन डैट मीन्स एल्केन मिल जाएगा और 1 कार्बन लेस वाला होगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कहीं पे भी डी वर्ड लगा हो मतलब वो चीज़ें बाहर जा रही है, जैसे डिहाइड्रेशन तो मतलब वाटर बाहर जा रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो वैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होगा डीकार्बोक्सिलेशन, और इसमें 1 कार्बन लेस वाला आपको हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है।
इसमें जो इंटरमीडिएट होते हैं वो भी ध्यान रखना है, कार्बेनायन होते हैं, इसलिए अगर कार्बेनायन बन रहे हैं तो इसका मतलब माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगे होंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो यू नो एनोड पे एनायन जाते हैं और कैथोड पे कैटायन, राइट। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो आपको क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, जब आप सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो एनायन है वो एनोड पे जाएंगे और एनोड पे जाकर के ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ये CO2 के फॉर्म में आपका बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे और आपका क्या होगा, R फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल से कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट मिलेगा और कार्बन के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट में लोगे उसका डबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में लिया था जितना कार्बन उससे एक कम हो गया था। तो ये सारे पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। और कैथोड पे चूंकि सोडियम और पोटेशियम का रिडक्शन नहीं हो सकता तो इसलिए वाटर का होता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये भी ध्यान रखना है। एनोड पे दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपका एल्केन जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेंगी और इस प्रोसेस का नाम है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको बेंजीन दिख जाए सिर्फ, या बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन हो सकता है, हैलोजन तो एराइल हैलाइड हो जाएगा, OH होगा तो फिनॉल हो जाएगा, OR होगा तो आपका ईथर हो जाएगा, NH2 होगा तो एनिलीन हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो बेंजल्डिहाइड, एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड, कीटोन होगा तो कीटोन हो जाएगा, राइट। तो आइदर बेंजीन दिख जाए या बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो आपको सिर्फ ग्रुप का इफेक्ट देखना है, अगर वो प्लस एम या प्लस आई है, जो आपको बता रखा हूँ कि बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम शो करेगा, तो प्लस एम या प्लस आई वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे और माइनस एम या माइनस आई वाले जो कि ये वाले हैं, ये सब जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड लगा हो, राइट, तो ये सब माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम या माइनस आई वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो फंडा क्लियर है, बेंजीन या बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उस ग्रुप का आपको देख लेना है, इफेक्ट प्लस एम या प्लस आई होगा तो ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रोफाइल को लेके आना है, माइनस एम या माइनस आई होगा तो मेटा पोजीशन पे लेके आना है। डैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना है कि पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है, पॉजिटिव वाला पार्ट आपको पता लग गया प्लस एम या प्लस आई होगा तो ऑर्थो पे लगाना है और पैरा पे लगाना है, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो मेटा पे लगाना है। जनरली पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर प्लस एम या प्लस आई होगा तो सिर्फ ऑर्थो उस केस में मेजर होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तभी ऑर्थो मेजर होगा, अदरवाइज पैरा मेजर होंगे इन केस ऑफ प्लस एम या प्लस आई, और माइनस एम या माइनस आई में तो फिक्स ही है, मेटा ही मेजर होगा क्योंकि उसमें और कोई पोजीशन नहीं है। नाउ अब आपको इलेक्ट्रोफाइल सर्च करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे दे सकता है, आरएक्स इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जरूरी नहीं है कि AlCl3 हो, 13 ग्रुप का कोई भी आपका कंपाउंड होना चाहिए क्योंकि 13 ग्रुप वाले सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एनहाइड्रस फॉर्म में लोगे तो ये क्या करेगा, इस हैलोजन को खींच लेगा और बना लेगा AlCl4- और आपको R+ क्रिएट कर देगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनने की वजह से ये रीअरेंज हो सकते हैं और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो बेंजीन अगर सिर्फ होगा तो कहीं पे भी अटैच कर दो, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, अगर ये प्लस एम या प्लस आई होगा तो पैरा या फिर ऑर्थो पे लगाना है, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो फिर आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, मेटा पोजिशन पर आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर एल्काइल आपने लिया, एल्काइल हैलाइड, तो उसको बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान दें, ये रिएक्शन दोनों का नाम फ्राइडल क्राफ्ट, साइंटिस्ट का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट है, अगर एल्काइल आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो अल्काइलेशन, और अगर ये एसाइल ग्रुप कहलाते हैं, असाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसको बोलेंगे असाइलेशन। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये फिक्स है, इधर जेड कैन बी हैलोजन, एसिड हैलाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, ये जहाँ भी दिखा इन प्रेजेंस ऑफ अगेन AlCl3 अगर हो गया एनहाइड्रस, या डी ब्लॉक के कोई कंपाउंड दिख जाए
तो उन सब केस में ये जेड को वो बाहर ले लेगा और आपको क्रिएट कर देगा आर सी ओ प्लस। एंड अगेन इसको बेंजीन पे अटैच कर देना है, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो अगेन आपको देखना है कि वो कौन सा है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा, उसके अकॉर्डिंग जोड़ देना है। तो असाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन इसी से रिलेटेड है। आप चाहो तो अगर X2 इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3 एटसेट्रा, अगेन कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट हो या 13 ग्रुप वाला कोई एलिमेंट हो, राइट, ये जहाँ भी दिख जाए हेलोजन के प्रेजेंस में, तो ये एक हेलोजन को ले लेंगे और आपको क्रिएट क्या करेंगे X प्लस। आपको यहाँ पे E प्लस जो मैंने लिखा है कार्बोकटाइन, या फिर आपको जो इलेक्ट्रोफाइल सर्च करना है तो वो यहाँ पे X प्लस है। तो पूछ लिया जाता है कि हेलोजिनेशन में एक्चुअल में अटैकिंग पार्ट कौन है या कौन सा इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है, तो X प्लस हेलोजन आयन बनते हैं, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में वो पहला पोजीशन पर आ सकता है अगर प्लस एम या प्लस आई ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट में, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वो आपका मेटा पोजिशन पर, जो आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूँ। तो हेलोजिनेशन इसको बोलेंगे क्योंकि हेलोजन एडोर है। वैसे ही HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लोगे तो नाइट्रेशन बोलते हैं उसको, NO2 प्लस। NO2 प्लस यहाँ पे अटैकिंग पार्ट होता है नाइट्रेशन में। NO2 प्लस अगेन आपका अगर सिर्फ बेंजीन है तो कहीं पे भी अटैच कर दो, फंक्शनल ग्रुप लगा है तो अगेन इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। मैंने जस्ट एक केस दिखाया है कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट जनरली पैरा होते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वही ऑर्थो मेजर होगा। और सिमिलरली अगर कॉन्क H2SO4 लिया तो सल्फोनेशन होगा, और उसमें कौन तो SO3 H+ क्रिएट होते हैं। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट भी ध्यान रखना है, हेलोजिनेशन में X+ क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपका X+ है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, और सल्फोनेशन में SO3 H+ है जिसको हमने ऐड कर दिया है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अब मैंने टोटल 10 नेम रिएक्शन लिया है, और अभी और जो नेक्स्ट बाकी हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैरी करेंगे। थैंक यू।